हेलो ध्रुव शर्मा हेलो आयुष यादव हेलो आयुष यादव हेलो सोनू पब्लिक आप लोगों को जरा भी आइडिया है कि आज हमारे यहाँ पर कौन गेस्ट आने वाले हैं स्टार ट्रैक में इफ यू नो गो टू द कमेंट सेक्शन मुंबई इंडियन वाला है ना तू हाँ भाई मैं मुंबई इंडियन वाला हूँ हाँ भाई हाँ बट सब छोड़ो यार तुम ये बताओ कि कौन गेस्ट आने वाले हैं आज हमारे शो में भाई बहार है बहार है यो यो हनी सिंह मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ सो लुक एट दिस लुक एट दिस मैं हनी पाजी से मिला था कई सालों पहले दिस इज एन ओल्ड ओल्ड तस्वीर एंड ही सो वॉर्म सो हम्बल फिर मैं उनको बड़ी जल्दी दूसरी बार भी मिला और uh, कई बार इनका मैंने इंटरव्यू किया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हनी सिंह के साथ हमारा होने वाला है स्टार ट्रैक सेशन उनका नया गाना आया है मेलोडी राजा उस गाने को हम सुनेंगे उस गाने के बारे में खूब सारी बातें करेंगे इन द मेन टाइम इन द मेन टाइम मेरे पास आ चुकी है रिक्वेस्ट एड कर लें पब्लिक क्या कहते हो बुला ले फटाफट तुसी जो कहो भाई तुसी जो कहो आप लोग तैयार हो एक्साइटेड फॉर स्टार ट्रैक यो यो हनी सिंह के साथ नया गाना है हैश टैग राजा बड़ी कमाल की वाइब है इस गाने की बड़ा एक ग्रूवी सॉन्ग है मतलब स्लो बैठे बैठे भी अगर आप डांस करना चाहो एंजॉय करना चाहो तो आप ऐश कर सकते हो यस 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 बहुत सारी पब्लिक के बहुत सारे वोट्स आते हुए कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ अभी से पच्चीस हजार की गल है, भाई? की गल है? 25, आज तक कभी किसी पोल पर इतने सारे रिस्पॉन्स नहीं देखे थे पब्लिक काफी सारे फैंस हनी सिंह के यहां पर भाई यस 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 कहना जल्दी आओ जी कहना है 55% का कमाल का सेशन होने वाला है हनी सिंह यो यो माय वर्ल्ड इज दिस रियल अनिसिंग और नॉट क्योंकि कई लोग होते हैं ना अपना नाम चेंज कर कहते हैं भाई किदा यो किदा 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 भाई गुड गुड मैं आपने पहले बोल दिया मैं खुद बोलने लगा था कि हम लोग तो पहले मिल चुके हैं कई बार अरे so, सोशल मीडिया मुझे ध्यान है जब आपने

और अब गाड़ी चलते चलते पहुंच गया है मेलेडी रोजा तक इट्स अ न्यू ट्रैक मैं पहले थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूं पब्लिक को पब्लिक इट्स अ न्यू सॉन्ग मेलेडी रोजा फटाफट से एक बार थोड़ा सा ट्रैक एंजॉय करते हैं और फिर बाकी बातें शाते हनी बाजी के साथ होती रहेंगी काफी ग्रूवी पाजी काफी ग्रूवी गाना सो टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग क्या कहता है ये गाना मेलोडी रोजा का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है सर देखो मैं ये कहना चाहूंगा सबको कि मेरा म्यूजिशियन बनने में तीन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है तीन आर्टिस्ट का सबसे नंबर वन है एरेमान सर उसके बाद है अपाची इंडियन सर उसके बाद है अमर सिंह चमकीला जी जो पंजाब के बहुत बड़े सिंगर रहे हैं तो <muchan> मेरे अंकल हैं अभिनव आचार्य जी जो बचपन से मुझे म्यूजिक में सपोर्ट करते आए हैं और मुझे वर्ल्ड म्यूजिक उन्होंने सुनाया हर तरह का म्यूजिक सुनाया बचपन में जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे भी म्यूजिक बनाना है तो जो पहला गाना मैंने तकरीबन नौ या दस साल का हूँ मैंने सुना रहमान सर का वो तमिल में था और उसका नाम था रोजा तो तो वैसी मेलोडी ना इस दुनिया में आज तक बनी है ना कोई बना सकता है रहमान सर के लिए तो मैं अपने इस गाने में मेरे को थाट आया कि मैं लड़की को उसकी ब्यूटी को रोज़ा के साथ डिफाइन करूं और मैं उसको ये कह रहा हूं कि मेरी मेलोडी रोजा तो उसकी ब्यूटी उसका स्टाइल उसके कपड़े और सब कुछ मुझे रोजा जैसे लगे तो मैंने कहा कि एक गाना बनाते हैं मेलोडी रोज़ा

उन्होंने गाया था और वो तो गाना बहुत मुश्किल है भाई क्योंकि मैं ऑटो ट्यूनर आर्टिस्ट हूँ मुझसे तो ये मेलोडी रोजा भी लाइव पता नहीं कैसे गाया जाएगा लेकिन लेट मी ट्राई इट्स लाइक मेरी मेलोडी रोजा थोड़ी सीधी हो जा करूँ बत्ती बंद में कमरे में खो जा मैं सर्च करूँ तुझको तू तुझ सर्च करे मुझको ऑन टर्न ऑन तू मच करे मुझको शायर ने खूब कहा है हनी तुझ में डूब रहा है दिल मेरा जलने लग रहा बरनौल की ट्यूब कहा है शायर ने खूब कहा है हनी तुझ में डूब रहा है दिल मेरा जलने लग रहा बरनौल की ट्यूब कहा है तू मेलडी रो जा थोड़ी सीधी हो जा

तो ये पाजी ये लेदर शर्ट है ये, ये, है। ये क्या शर्ट है लेदर शर्ट है लेदर पैंट्स है ये मेरा बहुत प्यारा आर्टिस्ट है जिसका नाम है ऋषभ चड्डा और बियर्डो दिल्ली से तो ये मेरी स्टाइलिंग कर रहे हैं आजकल और बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर रहे हैं ये सब कुछ उन्होंने स्टाइल किया तो गर्मी ज्यादा नहीं लगती वैसे जब लेदर पैंट्स पहनता है बंदा नहीं जब लड़की साथ में होती है तो ज्यादा लगती है

Uh, is Honey Singh rich? No, I'm the richest. Because <laughs> <laughs> I got so many fans, man. Good one, good one. Ho is Honey Singh brother of Mika Singh? No, 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 no. I'm not his brother, but he's like an elder brother to me. He's an amazing artist. He treats me really well. So it's kind of brother. What's your favorite Mika Pajika? Something, something. Ah. Oh. दो हो जाए यार वो भी मुझसे नहीं गाया जाएगा मैं अपने गाने बड़ी <laughs> मुश्किल से गा पाता हूं। <laughs> चलो कोई लाइने किसी ने ये भी पूछा हुआ है Google most search question about honey singh में मैनेजर hmm, <laughs> लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पे <laughs> आ, एक और सवाल योयो हनी सिंह का सबसे फेमस गाना कौन सा योयो हनी सिंह मोस्ट फेमस सॉन्ग वेमस

कोई और रंग सोचा है आपने वो ब्लू कलर पे तो गाना था आज ब्लू है पानी, पानी। कोई और रंग? Well. Like well. so, मैंने फर्स्ट टाइम एक ब्लैक लाइट स्किन ब्लैक गर्ल ली है और मुझे लगता था कि मेरे वीडियो में आज तक ब्लैक गर्ल नहीं आई और वर्ल्ड वाइड ब्लैक स्किन और ब्लैक रेस को हमें प्रमोट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए

इतने सारे हॉलीडेज मना रहा था और मना रहा है तो अभी मैं पीछे एक ऐप पे लाइव गया था और मैंने उसको बोला था सारे फैंस को कि मिलिंद को तंग करो और उसको बोलो गाना रिलीज कराए सो फाइनली कमिंग ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ओके सर आस्क अबाउट गैंगस्टर टाइप सॉन्ग्स फॉर जिम भाई मैंने गैंगस्टर सॉन्ग आज से 12 साल पहले किया था दिलजीत भाई के साथ पंगा यस yes. तो उसी को सुनो क्योंकि आजकल सब गैंगस्टर गाने बना रहे हैं तो हमने तो बारह साल पहले बना लिया था दोबारा वही चीज बनाने का क्या फायदा uh, आठ दस गाने तो आ जाएंगे भाई मैं अभी तीन गाने शूट करके आया हूँ वह में और दो गाने और मेरे शूट हो चुके हैं जो रेडी है बिल्कुल और mm -hmm. जो रिलीज होंगे आपको हर महीने एक गाना देखने और सुनने को मिलेगा नाइस nice, नाइस nice. बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं लेकिन हम मोस्ट फेमस गानों की बातें कर रहे हैं तो एक और बड़ा फेमस गाना था पाजी आपका अल्कोहलिक फ्रॉम द मूवी शॉकिंस ये लिरिक्स याद है सर नहीं उसके लिरिक्स नहीं याद क्योंकि मैं वो परफॉर्म भी नहीं करता हूं ज़्यादा <laughs> हाँ मैं अल्कोहलिक अल्क स्टार ट्रैक पे हमारे साथ हैं हनी सिंह उनका लेटेस्ट ट्रैक है मेलोडी रोजा जरूर सुन रहे हैं उस गाने को लेकिन बातें भी कर रहे हैं और कुछ उनके बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं इन बातों के जरिए तो एल्कोहलिक आपने गाना गाया एंड यू यू नो हैव मेड सो मेनी सॉन्ग्स जहां पर हम लोगों ने डांस भी किया है और साथ साथ ड्रिंकिंग गेम्स भी खेली है ठीक है एक बड़ी पॉपुलर गेम है सर नेवर हैव आई एवर करके तो मैं वो गेम आपके साथ खेलना चाहता हूं मगर इंडियन वर्जन है ये प्रॉपर इंडियन वर्जन ठीक है सबसे पहला Never, ever, 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 ever को हिंदी में कर दो जो बाकी हैं उनको समझ क्या, बात तो है? ये है कि क्या मैंने ये चीज की है या फिर कभी नहीं की है ठीक है एक टी शर्ट को दस साल तक पहना किया है कि नहीं किया अभी नहीं किया है लेकिन मैं रेगुलर पहनता हूँ ये काली टी शर्ट रेगुलर पहनता हूँ मेरी मैनेजमेंट में चल वो मुझे है अभी भी है लड़का टी तो मैं एक नहीं पहनता हूं रोज मैं अलग अलग पहनता हूं, लेकिन एक ही टी शर्ट पहनता हूँ क्या बात ये भी स्टाइल अच्छा है सर। अच्छा कभी बचपन में लंच बॉक्स में स्कूल भूले हैं। मैं लंच बॉक्स नहीं था था, मुझे बटर चिकन राजमा चावल और ग्रिल चिकन ओके okay, फुल पंजाबी मेन्यू है फुल पंजाबी मेन्यू uh, कभी बाथरूम यूज किया और वॉश नहीं किया नहीं मारी कई बार ही अच्छा प्रिटेंडेड टू बी ऑन अ कॉल टू इग्नोर समवन नहीं कभी नहीं किया सच्ची कभी नहीं किया ये सब कभी नहीं किया ओके okay, बड़ा ऑनेस्टी अच्छा कभी जमीन पे गिरा हुआ कुछ गिर गया फिर उठा के खा लिया फटाफट से नहीं नहीं उठा के ही नहीं खाया जमीन पे गिरे पैसे बहुत उठाए हैं ओ छोटे हो, होते हैं नहीं पर पता कहते हैं सर मतलब हमारे हाँ तो एक रूल रूल है कि थ्री रूल, अगर कुछ गिर जाए तो अगर आपने तीन सेकंड में उठा लिया तो फिर आप खा सकते हो सब तो फॉलो करना बाथरूम टू मच हाँग्राम बहुत चलाता हूँ कभी ऐसा कभी हुआ है हनी कि आपने कोई गाना ही बैठ के लिखा हो पॉट पे बैठ के लिखा हो मोड पे बैठ के नहीं नहीं कभी भी नहीं

Uh, किसी uh, के मुंह पर गलती से स्पैट कर दिया और बात करते करते वो मैं ना में था ना सतीश मैक्सिमम चीजें जहां पर एक तरह से मिनी कॉन्सर्ट होता है और एक सिंगर के बारे में हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं फेमस ट्रैक ऑफ योर्स ये भी बड़ा कमाल का ट्रैक था पाजी और इसको बोलते हैं फंक सॉन्ग फंक अगेन जी म्यूजिक का गाना बड़ा कमाल का गाना बड़ा हिट हुआ गाना याद है सर लिरिक्स थोड़े भी हाँ बिल्कुल याद है इसका सुनाता हूं मैं। ठीक है तू बस बेबी एवे ना हस बेबी एक साल से तेरे पीछे अब तो जा फस बेबी बस कर तू बस बेबी एवे ना हस बेबी तुझको मैं बाहों में लेके फिर दूंगा कस बेबी कश मकश होगी ऑनलाइन लॉ बेबी आदि मानव हूँ मैं किंग कॉन्ग बेबी मुझको समझे तो फ्लर्ट यू मस्ट बी रॉन्ग बेबी मैं तो हूँ तेरा सच्चा आशिक तभी तो बना ये सॉन्ग बेबी

तो जब मेरी तरफ आया फिर हम लोग निकल गए बट लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने मैंने अभी last film, मैं basically अपनी पसंदीदा बार बार देखता हूं मुझे मैंने last film इसकी देखी खुराना वाली फिल्म है फिल्म? वो है गैंग दोनों पार्ट अच्छा कितनी बार होगी होगी पता नहीं भाई बहुत बार आपको कहानी बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है कि एक तो मैं सुबह सोता हूँ सात आठ बजे आज आपके चक्कर में मैं दोपहर का उठा हुआ सॉरी सर सॉरी तो मैं मैं शाम को उठता हूँ इस इस वक्त साढ़े पाँच छः बजे तो सुबह सोता हूँ आठ बजे तो जब मैं सुबह सोता हूँ तो बेड पे मैं फिल्म लगाता हूँ और फिर उसको बंद कर देता हूँ तो अगले दिन जब मैं जिम जा रहा होता था इस वक्त पे तो मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ गाना लगाने के लिए और मुझे पता लगता है यार सला कल मैं फिर गैंग्स ऑफ गैंगजूर देख रहा था वही खुली होती है तो, तो डायलॉग बायलॉग याद हो गए पिक्चर के कि क्या सीन है अभी तो डायलॉग सुना तो ना पाएंगे इस आपके लाइफ पे <laughs> नहीं पर पिक्चर के गाने भी बड़े अच्छे थे स्नेहा खानवलकर का म्यूजिक था बड़ा कमाल के गाने थे तार बिजली से पतले हमारे पिया उसमें तेरी क्या कह लूंगा <laughs> <laughs> लेकिन अगर हम फंकल की बात करें ना तो आपने अगर हम देखें उसके लिरिक्स देखें तो कैसे एक यू नो को, हम ने ट्वीक कर दिया, है को तो अगर कोई बचपन की पोएम को हनी सिंह यो -यो, हनी सिंह फ्लेवर देना हो तो वो कैसे हो सकता है कोई भी पोइम हो सकती है फिर लो? वो एक सरप्राइज है मैंने ये किया है और किसी बड़े स्टार के साथ किया और वो मैं गाना सुना नहीं सकता हूँ वो गाना दिसंबर में आने वाला है तो आप उसके लिए वेट कीजिए और वो डेफिनेटली कुछ क्रेजी सी चीज़ है। कोई बचपन की सर फिर से आ, आ, बहुत पाजी आपका एक गाना रिलीज हुआ है, मेलोडी रोजा और उसके बाद मुझे यहाँ पर ना आपके फ्यूचर सॉन्ग्स की बस यही फरमाइशें चल रही हैं अंकित गुर्जर पूछ रहे हैं नेपाली नेविगेटर और कमीना सॉन्ग पाजी कब आएगा वो दोनों गाने अभी लेट आएंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारे नए गाने बनाए हैं और तकरीबन सत्तर गाने मैं पिछले एक साल में बना चुका हूँ लेकिन आ, मैं पहले थोड़ा सा हैवी था इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा था लेकिन मैंने वापस रिड्यूस किया और फाइनली मार्च से हमने गाने शुरू कर दिए हैं मार्च से आ रही थी कोलेब्रेशन जिसमें से कुछ चली कुछ खास नहीं काम करी तो लेकिन उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आने लगी कि आप अपने सोलो गाने निकालो तो अभी मैंने मेलोडी रोजा से शुरुआत करी है इसके बाद मेरा एक गाना आने वाला है आ, लश्कारे और okay. एक वो भी सोलो गाना है और क्या है ये लोग मुझे बोलते हैं कि ब्लू आइज जैसा गाना करो देसी कलाकार जैसा गाना करो ब्राउन रंग जैसा गाना करो मैं कुछ भी चीज़ दोहराता नहीं हूँ और mm. आप ये खुद देखेंगे कि अगर ब्राउन रंग आया तो ब्लू आइज में ब्राउन रंग जैसा कुछ नहीं था और जब mm. देसी कलाकार आया तो देसी कलाकार में ब्लू आइज जैसा कुछ नहीं था हमेशा कुछ नहीं करने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को धीरे समझ में आती है भले वक्त के साथ समझ में आती है पहले कंपटीशन कम था तो मेरे गाने फटाफट से पसंद आ जाते थे आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो इसलिए थोड़ा सा उनको लगता है कि ये गाना मज़ेदार नहीं रहा ये पहले जैसा नहीं रहा पहले जैसा कुछ भी नहीं आएगा कुछ नया आएगा आपको पसंद आएगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं पसंद आएगा तो फिर कोशिश करेंगे फिर मेहनत करेंगे और उससे बेहतर गाने लेकर आएंगे तो अभी सोलो गाने आने वाले हैं बहुत सारे और डेफिनेटली दिसंबर तक दस बारह गाने निकालेंगे

He's one of the इज़ वन he's an बेस्ट he's एंड ही इज एन एशियन ही इज़ he sings in सिंग्ज इन डच अब लेकिन अब उसने उर्दू में भी गाना शुरू कर, कर दिया है Hindi uh, mm -hmm. में पंजाबी में भी गाना शुरू कर दिया है is really good i really like him aur और, और बहुत सारा Dutch music सुनता हूँ बहुत सारा Arabic music सुनता हूँ और अलग अलग आर्टिस्ट को सुनता हूँ सज्जाद अली को सुनता हूँ कोक स्टूडियो बहुत सुनता हूँ पाकिस्तान वाला

कुंडी मत राजा सीधा अंदर आओ राजा वो भी सुना के देखो मेरे को याद नहीं है यार हम्म कैसा था वो बल्ब जगा के जीरो मैं तेरा राजा तू तो बन मेरी रानी नहीं, तू मेरी रानी मैं क्या था यार तो हाँ मैं तेरा राजा तू बन मेरी जान आज निकालूंगा तेरे प्राण तीर लगेगा निशाने पे जाके करूंगा मैं वैसे टका के लाज शर्म का पर्दा हटा के रखूंगा मैं तुझे पटरानी बना के मजा उठा ले भी आज रात का बलब जगा के जीरो वाट का yeah, क्या बात है क्या बात है एंड अगेन पॉपुलर फिल्म बड़ा कमाल का ये गाना हुआ था हिट भी हुआ था बड़ा ज्यादा आ, लेकिन मेरे पास ना यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं मैंने हम लोगों ने स्पेशली पूछा था पब्लिक से कि आप आ, कुछ अगर सवाल पूछना चाहें हनी सिंह से तो आप पूछ सकते हैं वो भी हमारे सवाल मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन एक हमने पोल क्वेश्चन डाला है व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट हनी सिंह उनका स्वैग उनका फैशन उनका रैप उनके सॉन्ग्स या फिर उनका डांस भाई अगर आपको इन पांच चीजों को टॉप फाइव में फाइव फोर थ्री टू वन करना हो तो सब आप कैसे करोगे अपने अपने हिसाब से इसमें फाइव फोर थ्री टू वन में करूँगा लेकिन इसमें एक चीज़ है ही नहीं वो है मेरी राइटिंग जिसपे में मुझे सबसे ज़्यादा गुरूर है ओह oh, नाइस nice. सिंगर मैं एवरेज हूँ और मेरी म्यूजिक प्रोडक्शन मेरा म्यूजिक मेरा म्यूजिक और मेरी राइटिंग में मुझे बहुत गुरूर है और बहुत सारी बीट्स ऐसी बना रखी हैं और तैयारी बहुत सारी है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की भी और कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं गा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को अंग्रेजी में गाना नहीं आता लेकिन मैं म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ बहुत सारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के लिए

घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब नहीं मेरा मतलब घर के क्लब तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट क्लब में होगा शोर बेबी घर पे पी लो फाइट यू डिसाइड कि क्या करना तुझको तो जरा सा भी डरना है शैंपेन घेर दी है तूने मेरी पैंट पे और कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे प्लो आईज हिप्नोटाइज स्टेडी कर दिया मेनू स्वेर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू क्लॉसी लिप्स ओ फे बेबी लग दी है किलर ओ ये ओ ये कतल करे तेरा बॉम्ब फिगर गुल 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 रैपर अनिल सिंह बन गए थे थोड़ी देर के लिए एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन भी आया हमारे पास स्थिति शर्मा पूछ रही हैं हु इज योर फेवरेट रैपर इन इंडिया माय फेवरेट रैपर इज एमी वे बंटाई ओह Even I like him very much. बड़ी कमाल की आपकी okay, आपसे बातें चल रही लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आ, सोशल मीडिया पर भी ये गाना काफी तहलका मचा रहा है मैं सोशल मीडिया से कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ और उन पर मैं बात करना चाहता हूँ कब मुलाकात हुई और क्या फिर इनसे बात हुई आ, सबसे पहली इमेज है इन भाई साहब की और ये बड़ी प्यारी तस्वीरते <laughs> हुए रणवीर सिंह ये कब रिसेंटली पिक्चर हुई है ये अभी रिसेंटली हम लोग एक हम लोग मैं पहली बार इनसे मिला था रणवीर भाई से लुंगी सेट के लुंगी डांस के सेट पे अच्छा हाँ तो पहली बार मिला था और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके बाद उसके बाद हम लोग कई बार मिले कई बारी पार्टियाँ करी कई बारी मस्ती करी और फिर इनकी शादी पे भी गया मैं बुलाया था मुझे बिकॉज दीपिका इज ऑल्सो वेरी काइंड टू मी और जब मैं बीमार था तो दीपिका ने बहुत हेल्प करी इनफैक्ट दीपिका सजेस्टेड एक्ट्रेस इज वेल टू मी री काइंड अमेजिंग पावर कपल है दोनों तो ये अभी कि हमें अमेरिका जा रहा था और ही वॉज देर इन द फर्स्ट क्लास लाउच तो एकदम साइड में बैठे थे तीन लोग तो मैं बस चल के जा रहा था मैंने देखा मैं ये कौन बैठा हुआ है <laughs> भी बैठा हुआ था फिर हम लोगों ने फिर काफ़ी सारी बातें करी और मेरी फ्लाइट भी मिस होने वाली थी हम लोग इतनी बातें कर रहे थे तो <laughs> फाइनली हमने तस्वीर ली और हीज क्रेज crazy. इज amazing. इज one of my favorite artists in India. कोई फेवरेट गाना रणवीर सिंह की की मूवीज का 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 या फिर रणवीर रणवीर सिंह सिंह जो आपको बहुत पसंद हो मूवी खुद एक रैप किया था आ, 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 रिकी रिकी वर्सेस वर्सेस गर्ल्स लेडीज में यस yes. so, हर बंदी समथिंग लाइक दैट मुझे वो गाना याद नहीं है वो वो मुझे बहुत अच्छा गाना लगता nice, है बंदी, बंदी, yes, yes, yes. दूसरी तस्वीर एक और सेलिब्रिटी भाई साहब के साथ ये ये कब मिले और डू यू लिसन टू भोजपुरी म्यूजिक बाय एनी चांस कोई गाना आता है लॉट्स ऑफ भोजपुरी म्यूजिक अभी मैं आर्टिस्ट के नाम भूल गया हूं देयर इज निरहुआ हां देयर इज वन आर्टिस्ट उसका गाना है एक गा के सुनाऊ मैं सर हो जाए कॉलेज में मॉडल आए लबा हर ललका पगला लबा कॉलेज में मॉडल आयल बा हर लल का पग बा सबसे हसीन बा सबसे कमाल वागा, जब समान बा गजब समान बाइट बाइट बास क्रेजी सॉन्ग है वह दिस इज क्रेजी जिस तरह से आपने गाया बहुत सही लगा uh, ये ये तस्वीर कब चाहिए सर कब मिले और कितने मजेदार इंसान है मनोज तिवारी पिछले साल की सर्दियों की चंडीगढ़ की तस्वीर है मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में नितिन नितिन नारंग तो इज़ इन टू पॉलिटिक्स एंड ऑल सो तो उनके घर पे बाई चांस आ रखे थे और मैं भी उनके घर पे था तो बहुत बढ़िया इंसान है और बहुत म्यूज़िकल इंसान है और थ्रू आउट म्यूज़िक की बातें करते रहे और मुझे बोले यार मुझे बड़ा अच्छा लगा सियासत में घुस के तो मैं म्यूज़िक से दूर हो गया हूँ और आज तुम्हें मैं तुमसे मिला मिलाऊँ तो मुझे म्यूज़िक याद आ गया फिर मैंने इनको बहुत गाने सुना इन्होंने मुझे बहुत गाने सुना डेफिनेटली मैं इनके साथ कोलाबोशन करने वाला हूँ थोड़ा सा भी इनके पास कम है क्योंकि ये थोड़े बिजी हैं मैंने चाहा इनको दो तीन बार स्टूडियो बुलाने को बट ये बिजी थे थोड़ा ट्रैवल बहुत करते हैं और फिर मेरा मेरा भी कुछ ट्रैवल था तो डेफिनेटली मनोज तिवारी जी के साथ जल्दी गाना बहुत बढ़िया देखो भाई काफी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं आज के स्टार ट्रैक में KX को तो सुना ही होगा पवन सिंह सब भोजपुरी सिंगर्स के नाम कमेंट सेक्शन में भर गए हैं एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बंदा इनके लिए बड़े सारे गाने गाए आपने ये मेरे फेवरेट बंदे हैं, फेवरेट बंदे बॉलीवुड में, इतने इतने मजेदार और फनी हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है और छोटे ये, इन, ये इनके चक्कर में मेरे को उठना पड़ता भाई लेकिन जनरली क्या होता है की सुबह आठ बजे सोता होता हूँ तो ये सुबह छह बजे बुला लेते हैं कभी कभी कितने बस सोने जा रहा हूँ आ जाओ ठीक है भाई आ गया बट <laughs> यार देखो अक्षय कुमार के साथ हनी सिंह की तस्वीर है तो एक गाना सर आ, जो आपने गाया हो जो मेरे ख्याल से खिलाड़ी सात सौ छियासी नो आई थिंक आई आई मेक द सॉन्ग पार्टी ऑनलाइन लाइट सुपर सर पार्टी ऑनलाइन पार्टी ऑन लाइट पार्टी ऑन लाइट वीरू पार्टी ऑन सुन लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम शोर लगा लो करेंगे पार्टी सारी रात बंद करवा लो ऑनलाइन पारी ऑनलाइन लाइट पारी ऑनलाइन तो अक्षय पाजी के साथ एक गाना हम लोग शूट करने वाले हैं अक्टूबर में जो इनको मैंने दिया है और वो फिल्म कौन सी है मैं भूल गया हूँ उस फिल्म में आने वाला गाना और उसमें हमारे साथ होमी दिल्ली वाला भी है ओ, मतलब नाइस सिर्फ सिंगल्स आ रहे हैं एल्बम्स आ रही हैं बल्कि बॉलीवुड ट्रैक्स भी बहुत सारे हैं करंटली जो आ चुका है वो है मेलेडी रोजा वो जरूर सुनना है आपने जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर लेकिन साथ में अभी चल रही है बातें सोशल मीडिया विद हनी सिंह एक बड़ी कमाल की तस्वीर थोड़ी हंसी सबको आने वाली है या सिंह <laughs> कितने साल के थे भाजी होगा दस ग्यारह साल का उससे भी कम का होगा आई थिंक पर ये ना बड़ा पॉपुलर कल्चर है नॉर्थ इंडिया में कि जन्माष्टमी के आसपास या शिवरात्रि पे आपको ऐसा बनना ये जन्माष्टमी की है और मैं शिवा बनता था और शिवा मेरे फेवरेट लॉर्ड है और मुझे बहुत पसंद है वो बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है बहुत रिलेट करता मैं उनके साथ और उनकी पावर्स के साथ नवदयाव जन्माष्टमी जन्माष्टमी में अलग अलग सब बने हुए थे और मेरे को शिवा बनाया नहीं क्योंकि महाशिवरात्रि पे ये हो नहीं सकती क्योंकि बहुत ठंड होती है उस टाइम में नॉर्थ में और शिवरात्रि में बच्चा ऐसे नहीं घूम सकता आ, ये जन्माष्टमी होगी और एक और बड़ी क्लोज तस्वीर जिसको आप मैंने ये पढ़ा ये आपके पेरेंट्स हैं सरप्राइजिंगली पापा का बर्थडे एक दिन आता है और नेक्स्ट डे मम्मी का बर्थडे आता है आता है है कमाल कमाल बट अच्छा कोई ऐसा गाना जिसको सुनने के बाद पेरेंट्स ने कहा कि हनी ये तो बहुत बढ़िया गाना गाया पुत्र बीमारी मतलब तो तो में एक गाना लिखा था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जिसमें मुझे मम्मी ने बहुत हेल्प करी कि तू लिख तू काम कर लैपटॉप खोल जैसे तूने शुरू करा था एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एटलीस्ट बीट्स बनाने शुरू कर मैंने बोला मैं लिख नहीं सकता मैं मेंटल लेवल पे नहीं हूं अभी कि मैं कुछ लिख पाऊं तो फिर तो मुझे बोला गया कि लिखो फिर मैंने बोला चलो हर एक जिंदड़ी एक जिंदड़ी वतू दू झूम में नाचू मैं, मैं गाऊ के लिखू तेरे लिए मैं क्या करूँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना लगभग दो लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं Raja, is trending नया गाना यानी सिंह का एंड वी द लास्ट सॉन्ग वी नीड टू टॉक अबाउट एंड दैट लास्ट सॉन्ग इज खड़के गलासी। जवरिया जोड़ी नाम की पिक्चर और बड़ा ही कमाल का गाना था सर और ये गाना एक बार बना फिर दोबारा भी बना जी इस गाने से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी 2005 में मैंने आई वॉज जस्ट अ कम्पोज़र म्यूज़िक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम तो इस गाने के लिए मुझे पहली बार मौका दिया था दिल्ली के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर जीत कलसी ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी और अशोक मस्ती पाजी ने मुझ में बिलीव किया और मैंने ये इसकी बीट बनाई और म्यूज़िक बनाया फिर उसके बाद बोले कि तुम गाओ भी तो मैंने अंग्रेज़ी में गाया था जो मेरा दोस्त है शॉन एक दोस्त है मेरा गोवा से उसने वो अंग्रेजी में सारा पार्ट लिखा था तो मैंने गाया था तो इससे इससे मुझे पहला अवार्ड मिला था लाइफ में और ये गाना बहुत हिट हुआ था वो वजह और है कि इसके बाद मेरे पास दो ढाई साल काम नहीं था फिर मैं पंजाब शिफ्ट हुआ, mm -hmm. हुआ। फिर मैंने पंजाब में सात आठ साल एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर और राइटर काम करना शुरू करा तो ये ये जर्नी थी और खड़के ग्लासी इज़ लाइक वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन खड़क के गला सीते रहना आते हैं हनी सिंह लास्टली हमने बहुत सारे लोगों से आपके सेशन से पहले हम लोगों ने बोला था कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस भेजिए तो कुछ पांच क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं बड़े फन क्वेश्चन है सबसे यूजलेस टैलेंट क्या है यूजलेस टैलेंट टैलेंट तो यूजलेस कभी होता ही नहीं है दोस्त ओ मतलब डीप कर दिया सर आपने मामला ये तो बहुत डीप आंसर है डूड दिस इज रियली गुड Uh, अगर आप अपने आप को रीनेम कर सकते तो आप अपना नाम क्या रखते स्ट्रॉम तूफान तूफान हॉरिबल थिंग एनीबडी कैन डू टू इंप्रेस यू रवि ठाकुर ने यह सवाल पूछा था हॉरिबल थिंग फ्लेक्स व्हेन पीपल शो ऑफ द मनी टू इंप्रेस मी आई लाइक आई डोंट लाइक इट ओह नाइस नाइस। कोई एक सीक्रेट कॉन्स्पिरसी जो आप शुरू करना चाहें तो वो क्या होगी अपने बारे में कॉन्स्पिरेसी वैसे ही बहुत होती रहती है यार रोज ही नई कॉन्स्पिरेसी होती रहती है ओके okay, लास्टली कोई एक फनीएस्ट जोक हो जो कि आपको याद हो बाय हार्ट हो जाए सर वो सारे गंदे जोक्स हैं <laughs> वो मैं यहां सुना ही नहीं सकता कोई चीटी हाथी नॉक नॉक जोक्स वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं आप फुल अश्लील जोक सुनते हैं

मैंने जब गाने लिखता था लोगों के लिए लिखने शुरू करे तो मैंने एक गाना लिखा था जिसका नाम था ब्राउन रन और जब मैंने फाइनली गाया तो लोगों ने पसंद किया उसके बाद से लोग धक्का देते आ रहे हैं मेरे फैंस प्यार करने वाले और मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ लेकिन ये सक्सेस नहीं है मेरी नज़र में ये सिर्फ एक शुरुआत है और मेरा एक थाट है एक मैनिफेस्टेशन है और मुझे लगता है कि मार्टिन किंग लूथर का भी एक थाट था जो फाइनली ओबामा ने पूरा किया तो मेरा एक है और मेरी एक चाहत है ग्रामीण हिंदुस्तान के लिए लेकर आने के लिए हालांकि मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ मैं उसके लिए म्यूजिक सीखूंगा और और अपने आप के म्यूजिक को बेहतर करूंगा और कोशिश मेरी यह है कि वो गाना अंग्रेजी में ना हो ओके बट ये तो मैनिफेस्टेशन काफी पुरानी है क्योंकि आपने गाया भी हुआ ग्रैमी yes. ले

कमरे में खोजा मैं सर्च करूं तुझको तू सर्च करे मुझको तू मच करे मुझको सुपर ट्रैक काफी मजा आएगा इस गाने को सुनेंगे जब किसी क्लब में जाकर भी काफी और मैं तो जिम में भी जा रही हूँ जिम में भी सुनो यार मतलब हनी सिंह की आवाज में पड़ती रहनी चाहिए ये नहीं रुकना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आपको हमने दोपहर तक जगाया थैंक यू सो मच लॉग कर सकते हैं आप से? And, uh, yeah! uh, man, voice, आप से एंड ये व्हाट 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 मैन न्यू ट्रैक ट्रैक गाने जाकर uh, लगभग लाख लोग मेरे साथ मेरा नाम है दिस स्टार काफी सारी बातें काफी सारे गाने आई होप यू एंजॉयड आज का सेशन जल्दी लौटेंगे फिर किसी और uh, कमाल के सिंगर के साथ